हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 31 जुलाई 2021 और आज की जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स होंगे मैं प्रीतम कुमार आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम डेली करेंट अफेयर्स तो करते ही करते हैं, साथ के साथ टोक्यो ओलंपिक जो कि 23 जुलाई 2021 से चल रहा है, कल 7वां दिन था और आज है टोक्यो ओलंपिक का 8वां दिन। तो जो टोक्यो ओलंपिक में कौन सा देश कितने मेडल के साथ टॉप पर है, कौन दूसरे स्थान पर है, कौन तीसरे स्थान पर है, इसकी जानकारी मैं आपको डेली देता हूं। और आज से आपको टोक्यो ओलंपिक के सारे शेड्यूल भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ के साथ हम लोग अपने करेंट अफेयर्स वाले सेशन में स्टैटिक जीके का तड़का भी लगाते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप वहां से ना छोड़े। तो चलिए देखते हैं आज क्या है कुछ नया और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहले देखते हैं हम लोग ओलंपिक में, यानी कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पर ओलंपिक में कौन सा देश किस पोजीशन पर है। चाइना फर्स्ट स्थान लेकर अपने पोजीशन को कायम किए हुए है, ठीक है, फर्स्ट स्थान। इसने 19 गोल्ड हासिल किया अभी तक, 10 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज और टोटल 40 मेडल के साथ ये टॉप पर आ गया है। दूसरे स्थान पर है 17 गोल्ड, 4 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, 28 मेडल के साथ ये दूसरे स्थान पर है। वहीं पर तीसरे स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट, 16 गोल्ड, 17 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज। टोटल इसके पास 44 मेडल हैं, बट ये तीसरे स्थान पर इसीलिए हैं क्योंकि इसकी गोल्ड की संख्या कम है। इंडिया 51 रैंक पर आ गया, यानी कि 51वां रैंक पर इंडिया पहुंच गया है, क्योंकि अभी तक इंडिया, हमारे प्यारे भारत को केवल एक ही मेडल से संतोष करना पड़ा है। लेकिन होप नहीं खोना है, अभी बहुत सारे ओलंपियंस बहुत ही जी जान लगाकर मेडल को पाने के लिए, अपने देश का सर ऊंचा करने के लिए काम में लगे हुए हैं। एक मेडल जो कि मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में जीता था, बस वही अभी तक हमारे पास है। चलिए हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि कौन सा कंट्री कौन से टॉप पर है। अब ये जुलाई का एंड मंथ है, ठीक है, 31 जुलाई आज है 31 जुलाई और आज हम लोग जुलाई मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवीजन करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखना जिससे कि आपको आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन छूटने ना पाए। चलिए जो इम्पॉर्टेंट डेज है जुलाई का, 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, याद यही कर लीजिए। नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को, 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 1st सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स। 4 जुलाई को मनाया जाता है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जूनोज डे। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे, वर्ल्ड मलाला डे, विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। वहीं पर नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे, विश्व बाघ दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके उपलक्ष पर, ये जो विश्व बाघ दिवस है इसके उपलक्ष पर हम लोगों ने स्टैटिक जीके में नेशनल टाइगर रिजर्व को हम लोग देखना स्टार्ट किए हैं। आज भी हम लोग टाइगर रिजर्व को एक बार रिविजन करेंगे। हमारे देश में अभी 51 टाइगर रिजर्व हैं और 51 टाइगर रिजर्व जो बना है वो तमिलनाडु में बना है। तो 51 के 51 टाइगर रिजर्व एक बार रिविजन करेंगे क्योंकि स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना किस राज्य सरकार की योजना है? ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट, दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट या फिर बिहार गवर्नमेंट? तो ये जो है, तो ये ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना दिल्ली गवर्नमेंट की योजना है और कल इसको जो दिल्ली विधानसभा है उसमें इसे संशोधन को पास कर दिया गया है। ये जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना है ये क्या है? तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये है जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार की एक महत्वपूर्ण स्कीम है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। इस स्कीम के तहत जो पर्यटक, जो टूरिस्ट होंगे, विशेषकर जो विदेशी पर्यटक होंगे, जो फॉरेन से आए हुए टूरिस्ट होंगे, भारतीय पारंपरिक परिवार एवं भारतीय
संस्कृति का अनुभव करने के उद्देश्य से भारतीय परिवार के साथ उनके घर में रुक सकते हैं। ये है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट योजना, आपको इसके बारे में जानकारी हो गई होगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। DRDO के मिसाइल स्ट्रेटेजिक सिस्टम का डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द DG ऑफ मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम ऑफ DRDO? एक जाने माने साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर VS न्यायमूर्ति साहब, ठीक है, जाने माने साइंटिस्ट हैं रॉकेट का, तो ये इनको बनाया गया है DRDO का मिसाइल एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम का डायरेक्टर जनरल VS न्यायमूर्ति, आपको इसे याद रखना है। चलिए SN प्रधान को, कल के वीडियो में मैंने बताया था SN प्रधान को NCB, ठीक है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का चीफ बनाया गया है SN प्रधान को, और अभी ये NDRF के भी चीफ हैं, NDRF के भी DG हैं, यानी कि डायरेक्टर जनरल है। ये जो NCB का पद पहले किसके पास था? राकेश अस्थाना जी के पास था, और राकेश अस्थाना जी BSF के भी DG हैं। वहीं पर राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का चीफ बनाया गया है, वहीं सुबोध कुमार जायसवाल को CBI का डायरेक्टर बनाया गया है, तो इतना बात आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखते हैं प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ग्लोबल CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? सैलेस जेजुरीकर, ठीक है, सैलेस जेजुरीकर को प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है। ये देखिए, ये जो कंपनी है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंज्यूमर, यानी कि जो सामान खरीदते हैं, गुड्स कॉरपोरेशन है, तो ये कंपनी अमेरिकन कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सिनसिनाटी ओहियो जो है अमेरिका में, और इसका फाउंडेशन मतलब ये कब बनाया गया, 1837, बहुत पुरानी कंपनी है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो विलियम प्रॉक्टर एंड जेम्स गैम्बल, इन्हीं के नाम पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल का नाम रखा गया, और अभी इसके CEO कौन है? डेविड एस्टेलर, और यहाँ पर ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का CEO बनाया गया है ग्लोबल वाला, ठीक है, वो बनाया गया है सैलेस जेजुरीकर को, ठीक है, सैलेस जेजुरीकर को। वहीं पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रमेश नायर का बात आ रहा है, ठीक है, रमेश नायर, कुलदीप सिंह, और किसके बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, प्रदीप चंद्र नायर, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन से डिपार्टमेंट के हैं, सारे के सारे कौन से डिपार्टमेंट में अभी अभी नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर जो रमेश नायर है, एक संपत्ति सलाहकार कंपनी है कोलियर्स, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक संपत्ति सलाहकार कंपनी है कोलियर्स, ठीक है, कोलियर्स, और इसके अभी भारत के CEO बनाए गए हैं, रमेश नायर को, कोलियर्स इंडिया के CEO बनाए गए हैं रमेश नायर को, एक संपत्ति सलाहकार कंपनी है, ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये अभी अभी किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रमेश नायर कोलियर्स इंडिया का CEO बनाया गया है रमेश नायर को। वहीं कुलदीप सिंह NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, इसके अभी महानिदेशक हैं, ठीक है, अभी इसके महानिदेशक हैं, इसको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। वहीं प्रदीप चंद्र असम राइफल्स के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल है, तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं डिफेंस एक्सपो ये जो है 2022 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो डिफेंस एक्सपो 2022 वाला डिफेंस, इसको कहा जाता है डेफ एक्सपो, ठीक है, 2022 डिफेंस एक्सपो 2022 वाला किया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में इसको आयोजित किया जाएगा। वहीं इसका 12वां संस्करण होगा, ये जो होगा ये इसका 12th एडिशन होगा, गुजरात के गांधीनगर में ये किया जाएगा। कब से कब तक? तो 11 से 13 मार्च 2020 तक इसको किया जाएगा। ये जो डिफेंस एक्सपो होता है इसमें भारतीय हथियार, ठीक है, वेपन्स, सेना में जो काम आते हैं साजो सामान, जो तोप होते हैं, जो टैंकर होते हैं, जो मिसाइल्स होते हैं, इनको प्रदर्शित किया जाता है, इनको एग्जीबिट किया जाता है, और इसमें जो इंडिया का अभी जब भी क्या हो रहा है, इंडिया मेक इन इंडिया पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सारे वेपन्स इंडिया जो है अपने देश में बनाना चाहता है, किसी और देश के सहयोग से बनाए या फिर अपने से बनाए, तो अपने देश में बनाने का कोशिश कर रहा है और बना भी रहा है, तो इसको एग्जीबिट करने के लिए डिफेंस एक्सपो आयोजित किया जाता है हर 2 साल पर, यानी कि जो ये 12वां है, 11वां वाला संस्करण यूपी के लखनऊ में आयोजित किया गया था 11वां, और वहीं जो 10वां था वो चेन्नई में किया गया था, तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया था, तो इतना आपको जानकारी होनी चाहिए यहाँ से। चलिए अब देखते हैं आगे, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट आप यहां पर देख पा रहे होंगे, पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरला पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो पिंक प्रोटेक्शन
प्रोजेक्ट है, ये आप यहाँ पर इसके बारे में देख पा रहे होंगे कि महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने शनिवार को कहा कि इस योजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी स्थानों पर और साइबर दुनिया में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट केरला पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट का नाम इसे और का किस नाम से जाना जाएगा, तो पिंक आपको याद रखना है, पिंक जनमैत्री बीट, पिंक जनमैत्री, जनमैत्री बीट के नाम से भी इसे जाना जाएगा, ठीक है। वहीं पिंक पिंक शैडो शैडो पिंक शैडो पेट्रोल की भी तैनाती की जाएगी इसके तहत पिंक शैडो पेट्रोल की भी तैनाती की जाएगी। वहीं पर ये जो पुलिस होगा इस प्रोजेक्ट के तहत, पुलिस जो होगा कार, टू व्हीलर और साइकिल पर भी पेट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। और इसके लिए केरल के 14 जिलों में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। तो ये जो केरला पुलिस के पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है केरला पुलिस के द्वारा। अब चलिए आगे देखिए, BIAL, ठीक है, BIAL यानी कि बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट इन अ बैक बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, ये किया है IBM के साथ किया है समझौता किसने, तो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, ठीक है, बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किया है। और ये जो समझौता किया है एयरपोर्ट इन अ बॉक्स के लिए, तो इसमें क्या होगा कि जो एयरपोर्ट पर प्रोडक्टिविटी होगा, ठीक है, उत्पादकता, उसको बढ़ाने में इस सहयोग करा जाएगा दोनों मिलकर। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के में सुधार लाने के दिशा में भी ये काम करेगा, ठीक है, और स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक जो काम होते हैं जितने, उसमें सुधार लाने के लिए ये दोनों मिलकर इस पर काम करेंगे। वहीं पर पैसेंजर ट्रैफिक में भी सुधार लाने में ये क्या करेगा, काम करेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं कि BIAL एयरपोर्ट इन अ बॉक्स प्लेटफॉर्म स्थापित करने के लिए IBM के साथ समझौते पर एक हस्ताक्षर किया है। चलिए बात करते हैं IBM की, तो ये एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है और अभी इसके CEO कौन है, तो अरविंद कृष्णा साहब, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है अर्मोंक न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में, USA में। तो ये बात हो गया यहाँ से इतना। चलिए अब देखते हैं आगे, कोवी होम नामक कोविड RNA टेस्टिंग किट किसने विकसित किया है। ये जो कोवी होम नामक एक टेस्टिंग किट है, ये बहुत ही कम रेट पर लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। अभी इसका टेस्टिंग किट का जो प्राइस है, एक बार टेस्ट अगर आप करते हैं तो 400 रुपया लगेगा, लेकिन कहा गया है कि अगर इसका डिमांड बढ़ता है, इसका उत्पादकता, इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, तो हम 300 रुपया पर टेस्ट भी इसका करेंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टेस्ट किट है, जिससे कि चाहे रोगी में लक्षण हो, कोरोना के लक्षण हो या फिर ना हो, दोनों को ये टेस्ट किट क्या कर पाएगा, डिटेक्ट कर पाएगा और रोग को जांच मतलब कोरोना की जांच कर पाएगा। और ये कोवी होम नामक टेस्ट किट जो है किसने विकसित किया है, तो ये IIT हैदराबाद ने इसे विकसित किया है। IIT हैदराबाद ने इसे कोवी होम नामक RNA टेस्टिंग किट को विकसित किया है। वहीं पर IIT रोपड़ ने एक मशीन बनाया है जिसका नाम है CPAP, ठीक है, ऑक्सीजन यूनिट की तरह ये काम करता है, CPAP, जिसको कि कहा जाता है कंटिन्यूड पॉजिटिव एयर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो CPAP मशीन है, ये बिजली से चलता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, लेकिन IIT रोपड़ ने पहला एक ऐसा मशीन बनाया, CPAP मशीन, जो कि बिजली से नहीं चलेगा, यानी कि बिजली मुक्त CPAP मशीन IIT रोपड़ के द्वारा बनाया गया है। वहीं IIT मंडी के द्वारा अभी रिसेंट में क्या बनाया गया, आपको ये बताना है। IIT खड़गपुर ने एक गन्ने की रोपाई के लिए जो शुगर केन होता है उसका रोपाई के लिए एक स्वचालित मशीन, ऑटोमेटिक मशीन बनाया है IIT खड़गपुर ने। इतना बात हो गया यहाँ से। अब देखते हैं आगे, राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब
किसने जीता है, ठीक है। तो ये जीता है वंतिका अग्रवाल ने, ठीक है, वंतिका अग्रवाल ने इस खिताब को जीता है। वहीं पर अर्पिता मुखर्जी दूसरे स्थान पर रहे और श्रीजा सेसाद्री तीसरे स्थान पर रहे। चलिए आगे देखते हैं, माइक हेनरिक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माइक हेनरिक जिनका निधन हाल ही में हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे, क्रिकेट से संबंधित थे। ये इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज हैं और इनका अभी निधन हो गया। ये एक मतलब आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के कोच भी थे, ठीक है। आयरलैंड का अगर बोला जाए कि आयरलैंड का पहला प्रोफेशनल कोच कौन था, तो माइक हेनरिक। आयरलैंड का, आयरलैंड क्रिकेट टीम का पहला प्रोफेशनल कोच कौन था, तो माइक हेनरिक, ठीक है। और इनका अभी निधन हो गया, तो इसकी इसके ये क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए बात करते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन भारत में 1 अगस्त को मित्रता दिवस भी मनाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 30 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखिए करंट अफेयर्स के का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेवेंट करंट अफेयर्स हमने देख लिया। अब हम आपके सामने स्टैटिक जीके का टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि देखिए हम बताए थे कि इंटरनेशनल टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार जो विश्व बाघ दिवस का थीम क्या रहा है, विश्व बाघ दिवस का थीम क्या रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने इसे कल बताया था, आज का क्वेश्चन है विश्व बाघ दिवस का थीम। और हम लोग आज करेंगे कि इंडिया में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था, आप पूरे पीडीएफ को डाउनलोड करके यहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स होंगे सब यहाँ पर कवर कराए जाएंगे। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए टाइगर रिजर्व कुल है 51, कितना है 51 टाइगर रिजर्व है, 50 पहले था, 2020 तक 50 था। 2021 में सिरिविलपुथुर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में है, इसको भारत का 51st यानी कि 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। अब हम लोग देखते हैं टाइगर रिजर्व, पहला टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था 1973-74 में, मैं बोलते जाऊंगा आप बहुत अच्छे से इसको सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, कान्हा मध्य प्रदेश, मानस असम, मेलघाट महाराष्ट्र, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड, रणथंभौर राजस्थान, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, पेरियार केरला, सरिस्का राजस्थान, बुक्सा पश्चिम बंगाल, इंद्रावती छत्तीसगढ़, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, दुधवा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कलाकड़ मुंडथुरई तमिलनाडु, वाल्मीकि एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार का, वाल्मीकि बिहार में, पेंच मध्य प्रदेश, तदबो अंधेरी महाराष्ट्र, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। दम्फा मिजोरम, भद्र कर्नाटक, पेंच महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। पक्के और पखुई दो टाइगर रिजर्व हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामेरी असम, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, अन्नामलाई तमिलनाडु, उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़, सतकोसिया उड़ीसा, काजीरंगा असम, अचानक मार छत्तीसगढ़, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व कर्नाटक, संजय दुबड़ी मध्य प्रदेश, मुदुमलाई तमिलनाडु, नागरहोल कर्नाटक, पेराम्बिकुलम केरला, सह्याद्री महाराष्ट्र, बीलगिरी रंगनाथ कर्नाटक, कवल तेलंगाना। सत्यमंगलम तमिलनाडु, मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान, नवेगांव नगजीरा महाराष्ट्र, नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अमराबाद तेलंगाना, पीलीभीत उत्तर प्रदेश, दुधवा और पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र, राजा जी उत्तराखंड। अच्छा 48वें नंबर का जो उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व बना था राजा जी 2015 में, 49वें नंबर का औरंग असम में और 50वां नंबर का कमलंग था 2016 में अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था, ये बात हो गया। और 51वां नंबर का जो टाइगर रिजर्व बना है इंडिया में 2021 में, इनका नाम है सिरिविलपुथुर मेघामलाई जो कि तमिलनाडु में। तो ये रहा हमारा टाइगर रिजर्व, आप यहाँ से इसे रिवीजन कीजिएगा आज और कल, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज आप टाइगर रिजर्व पूरे के पूरे रिवीजन कर लीजिएगा। और यहाँ पर
वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी दिए गए हैं, इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और साथ के साथ स्टैटिक जीके का कुछ टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप ज़रूर चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कहाँ पर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको कौन से वीडियोज, कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सेफ रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें, और सारे के सारे एग्जामिनेशन के डेट्स आने लगे हैं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। थैंक यू, आप हमारे साथ बने रहें।